तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी। तो आपने कभी 13 साल इंतजार किया है किसी चीज़ का? जी हाँ, हमने और इस पूरे उदयपुर शहरवासियों ने और ग्रामीण एरिया के जितने भी लोग हैं सभी ने 13 साल तक वेट किया है। यहाँ उदयपुर असारवा जो ट्रेन है जो उदयपुर से जो अहमदाबाद जाती है उसका वेट किया है, वो 13 साल बाद अब चालू हुई है। तो आज हम उसकी फर्स्ट यात्रा करने वाले हैं और यहाँ से मैं मेरे घर जाऊंगा और आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे। और इस यात्रा में मेरे साथ रहेंगे मेरे परम मित्र राहुल। गाइस, तो कितने बजे की ट्रेन है अपनी आज? 5 बजे। 5 बजे की ट्रेन है, फिलहाल बज रही है। तो थोड़ी देर हम चाय वगैरह यहाँ पर पियेंगे और फिर आपको पूरी ट्रेन दिखाएंगे और पूरी जर्नी दिखाएंगे कि कैसे क्या माहौल रहता है। क्या लेना राहुल? भूख लग रही है, बिस्किट ले रहे। सो गाइस, हमने ये टिकट ले ली है। कितने? 40 रुपए की टिकट है अपनी, उदयपुर से जैस्मिन रोड। चालू है। सो गाइस, इधर से जाना हमारे को 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। इधर ही आने वाली है मेरी ट्रेन, शायद यही ट्रेन है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है अपनी। सो गाइस, फाइनली 13 साल के इंतजार के बाद हमारी जो ट्रेन है ये आ गई। देख लीजिए आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। जयपुर उदयपुर सिटी से असारवा गुजरात के अंदर है, वहां तक ये ट्रेन जाती है। और 13 साल के इंतजार के बाद ये ट्रेन चालू हुई है और मेरे गाँव में पहली बार ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि काफी टाइम से ट्रेनें बंद थी और पहले जो लोकल ट्रेनें होती थी वो चलती थी, अभी जो ये सुपर फास्ट ट्रेन है ये चलने लग गई है। तो गांव का टिकट यहाँ से मात्र 40 रुपए के अंदर में मेरे गांव जाऊंगा, बाकी यहाँ से गांव जाने का 100 रुपए लगता है, तो काफी फायदा हो गया है। तो गाइस, 5 बजे फिक्स हमारी ट्रेन अभी यहाँ से निकलेगी। और बता दो, अभी इंजन लगा हुआ नहीं है, सामने वो रहा इंजन, वो आएगा और लगेगा ट्रेन के अंदर और फिर हम हमारा सफर जो है स्टार्ट करेंगे। ये गाइस जो स्टेशन आप देख रहे हैं उदयपुर का रेलवे स्टेशन है, और देखिए कितना खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। और 13 साल के लंबे सफर के बाद जो ये ट्रेन चालू हुई है, एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा है। बहुत ही शानदार स्टेशन बना हुआ है। सो गाइस, टिकट के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उदयपुर से जैस्मिन रोड का जो टिकट है, यहाँ के जो लोकल से उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कि 40 रुपए वहाँ का टिकट है। अगर आप वहाँ से सेमारी जाना चाहते हैं तो सेमारी का टिकट जो है 45 है। तो आप आराम से सफर कीजिए, ट्रेन चालू हो गई है और ये है कुछ इस प्रकार से पूरी ट्रेन। और भाई साहब, ये उदयपुर का मेवाड़ का स्टेशन है, देख लीजिए कितना मतलब साफ है और पेड़ भी लगे हुए हैं। सो गाइस, ये जो ट्रेन है 13 साल के लंबे सफर के बाद शुरू हुई है, तो यहाँ अपने साथ दो साथी और हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितने एक्साइटेड है। तो भैया राहुल, ये 13 साल बाद आपके एरिया में ट्रेन वापस स्टार्ट हुई है, तो आप कितने एक्साइटेड है और कैसी फीलिंग है आपके अंदर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 13 साल बाद हमारे गाँव में फिर से आज ट्रेन जा रही है, बहुत खुशी हो रही है आज, मैं बहुत खुश हूँ। और टिकट भी आप देख सकते हैं ना, काफी मतलब आधी टिकट है बस के मुकाबले, ओनली 45 रुपीज। और भाविन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड। हम उदयपुर से सेमरी जाते हुए फर्स्ट ट्रिप है हमारी, रेल चालू होने के बाद ये पहली ट्रिप है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब मजा आ रहा है और बहुत कंफर्टेबल लगता है। टिकट भी आधी है, मतलब आधी टिकट लग रही है, टिकट भी बहुत कम है, बस से बहुत मतलब बहुत फायदा हो रहा है हर तरह से। तो गाइस, फाइनली हमारी जो ट्रेन है चल पड़ी है और देख लीजिए कुछ ऐसे ये पूरे डब्बे हैं।
और पूरे सफर का हम एंजॉय ले रहे हैं। बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, गाइज फाइनली अभी हम हैं जावर जो स्टेशन है वहाँ पर, और देख लीजिए यहाँ का जो माहौल है, पूरा नया स्टेशन बना हुआ है ये। सो गाइज फाइनली 10 मिनट और है और मेरा जो स्टेशन है जहाँ पर मुझे जाना है डेस्टिनेशन वो आने वाली है, तो दिखाते हैं आपको आगे का व्लॉग, लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज फाइनली मैं मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और ये मेरे भाई और पिताजी मुझे लेने आ गए। हाय बोलिए। हाय हाय। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।